हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झा ट्यूटोरियल। झा ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं 11th नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11 ही, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th मैथ्स आर एस अग्रवाल का। तो 11th नंबर क्वेश्चन है, मैंने इसको फिगराइज कर दिया है। वैसे मैं एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूँ। अ 2 मीटर टॉल मैन, मैंने मैन के हाइट को एच माना है, स्मॉल एच, जो कि आपको दिख रहा होगा, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी वो यूनिफॉर्म स्पीड पे 5 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से एक 6 मीटर लंबे टावर से दूर जा रहा है। ठीक है, दूर जा रहा है वो, अभी इतनी दूर चल चुका है और इतनी दूरी पे अभी वो है। ठीक है, हम ये माने हैं, इस दूरी को x माने हैं। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस, और आपको रेट बताना है जिस रेट से उसका शैडो बढ़ रहा है, और हम लोग शैडो के लेंथ को एल माने हैं। भाई पहले डिस्टेंस मानेंगे तभी ना उसका रेट पता होगा, और मतलब डिस्टेंस है तभी तो उसका रेट है, और अगर शैडो का लेंथ है तभी तो उसका लेंथ का चेंज का रेट है। तो सिंपल सी बात यह है, ये कैपिटल एच जो है ये लैंप का हाइट है, ये स्मॉल एच जो है ये मैन का हाइट है, ये एक्स जो है लैंप और मैन के बीच का डिस्टेंस है, और ये एल जो है इसका शैडो है जो बढ़ रहा है। अब देखिए, एस 2 मीटर दिया हुआ है, कैपिटल एच 6 मीटर दिया हुआ है, यानी कि मैन का हाइट 2 मीटर, लैंप का हाइट 6 मीटर, और उसके वो इस लैंप से दूर जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से, और पूछ रहा है कि उसका शैडो किस लेंथ से बढ़ रहा होगा। ठीक है, ये तो ही ये वाली बात। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग जो प्रूफ करने जा रहे हैं, जो फाइंड करने जा रहे हैं, वो हम लोग को एक रास्ते से गुजरना होगा, वो रास्ता होगा सिमिलर ट्रायंगल का। आप लोग गौर कीजिए, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये वाला और ये पूरा वाला। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो दोनों का साइड प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल होगा। तो एच बाई एच, इसका ये वाला साइड बाई इसका ये वाला साइड बराबर, इसका ये पूरा वाला साइड एक्स प्लस एल बाई इसका ये वाला साइड एल, भाई यही तो है। अगर हम दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बनाए तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इसका लेंथ L, इसका लेंथ x प्लस एल, इसका h, इसका h, अगर ये दोनों सिंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो h बाई एच बराबर x प्लस एल बाई एल, इस ट्रायंगल और इस पूरे वाले को अलग अलग हम बना दिए। चलिए, अब h बाई एच ऐसे ही, अब दोनों साइड मतलब L से L को दोनों की तरफ सेपरेट कर देते हैं, यानी x बाई एल प्लस एल बाई एल। अच्छा, h बाई एच x बाई एल को ऐसे ही रहने देते हैं, और L बाई एल तो हो गया प्लस वन। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास क्या जाएगा, x बाई एल हो जाएगा, ये वन उधर जाएगा, तो h बाई एच माइनस वन होगा। अच्छा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बाई एच माइनस वन इंटू एल होगा। चलिए ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। नहीं, वैल्यू पुट करने से पहले हम लोग एक चीज गौर करते हैं कि हम लोग को x तो नहीं दिया हुआ, हमको उसका रेट दिया हुआ है, तो हम लोग को पहले रेट निकालना है तब वैल्यू पुट करना है। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx by dt is equal to h by h minus 1। h by h minus 1 को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, h का दिया हुआ, ये भी बड़ा h का दिया हुआ, छोटा h का दिया हुआ, और माइनस 1 तो कॉन्स्टेंट ही है। और l का हो जाएगा आपको dl by dt। अब देखिए dx by dt क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद h 6 मीटर, अच्छा स्मॉल एच 2 मीटर, तो 2 मीटर माइनस 1 इंटू डी एल बाई डी टी पुट कर दिए। अब आई सॉल्व करने की बारी, अब जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, और मीटर से मीटर कट गया, और 2 से ये कटा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 3 माइनस 1 डी एल बाई डी टी। और हमारे पास क्या आ गया, और हमारे पास आ गया 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 2 इंटू डीएल बाई डी टी, इतना आ गया। अच्छा, डीएल बाई डी टी क्या हो जाएगा, तब 5 किलोमीटर पर आवर बाई 2, तो डीएल बाई डी टी क्या हो जाएगा, डीएल बाई डी टी हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो यही था ये क्वेश्चन, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 12th नंबर क्वेश्चन, देखिए 12th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक इन्वर्टेड कोन है, इन्वर्टेड कोन है जिसको मैंने यहां फिगराइज कर दिया है। ठीक है, has a depth of 40 centimeter, यानी इसका depth जो है 40 centimeter, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो depth है वो 40 centimeter है। बहुत बढ़िया, इसका radius जो है 5 centimeter, यानी radius को मैंने दिखा दिया है, यहां से लेके यहां तक का radius 5 centimeter है। चलिए, अब water उसमें डाला गया 1.5 centimeter cube per minute के rate से, इसमें पानी डाला गया
चलिए डाला गया। आपको पता करना है रेट, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। यानी पानी जब डाला गया तो आपको पता करना है किस रेट से इसका हाइट बढ़ रहा है, किस रेट से इसका हाइट बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, जब उसका हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाला एच जब 4 सेंटीमीटर है तो इसका जो हाइट किस रेट से बढ़ रहा है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, फिगर तो आप लोगों ने देख लिया और समझ भी गए। तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में ओरिजिनल हाइट 40, रेडियस 5 सेंटीमीटर, और हम लोग को जो हाइट दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर। इसी हाइट पे क्या रेट है हाइट के भरने का, इसी हाइट पे क्या रेट है हाइट के भरने का, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट पे। चलिए इस रेट पे हम लोग रेडियस को मान लेते हैं आर, रेडियस को मान लिया हम लोगों ने आर। यह मैंने अलग अलग पेन से किया है, इसको रेड पेन से किया, इसको ब्लैक पेन से किया था कि आपको दिक्कत ना हो दिखने में। चलिए अब देखते हैं, अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल कहें या फिर जो भी कहें, सिमिलर ट्रायंगल ही कह सकते हैं इसका भी लगेगा, क्योंकि देखिए ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ही समझिए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसका एक साइड एच, देखिए आपको हम फिगराइज कर देते हैं ज्यादा अच्छा रहता है, ये साइड एच, ये रेडियस आर। अच्छा बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला साइड कितना 40 सेंटीमीटर और ये वाला साइड कितना 5 सेंटीमीटर, लग नहीं रहा होगा फिर भी आप फील कर लो, ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला साइड 40 सेंटीमीटर, ये वाला 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल को मैंने उठाया है और यहां पे इस ट्रायंगल को उठाया है, हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा कैसे सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों का दो एंगल बराबर है, ये 90 है, ये 90 है, यहां भी ये 90 है, यहां भी ये 90 है, और ये दोनों एंगल दोनों का सेम है, यहां दोनों एंगल दोनों का सेम है, इसलिए बाई ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। चलिए वो तो यहां प्रूफ नहीं करना था, आपको फील लाना था, आपको एग्जाम में प्रूफ थोड़ी नहीं करना सिमिलर ट्रायंगल, आपको फील लाना है, आप टेंथ की तरह प्रूफ नहीं करना। अब देखिए, अब अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी 40/5, यानी 40/5 इज इक्वल टू एस बाय आर होगा। अच्छा ऐसे अगर आप लोग नहीं समझे तो 40 सेंटीमीटर बाय एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बाय आर, ये तो समझे, ये इसका ये साइड बाय ये साइड बराबर ये साइड बाय ये साइड, वही बात है, अगर 5 सेंटीमीटर को नीचे ले आए और एच को ऊपर ले आए तो वही बात है। चलिए ऐसे ही समझिए, ये तो आप समझ गए। अब इससे हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इस तरह से, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, चलिए 5 40 8 से कटा तो 8 बराबर h बाई आर हो गया, तो यहां से r बराबर h बाई 8 निकल गया, चलिए निकल गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h, तो वॉल्यूम हो गया 1/3 πr² h। अब अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें या फिर एक काम करिए, यहां पे आपको ये रेडियस और हाइट दो अलग अलग टर्म में, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि अलग अलग है और फिर डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा, तो इसको एक में लाने के लिए तो हम रेडियस को हाइट के टर्म में लाए हैं, तो यहां पुट कर देते हैं। अच्छा फिर आपके दिमाग में आएगा ये कि हम रेडियस को हाइट के टर्म में क्यों लिखे, हम हाइट को रेडियस के टर्म में लिख ले, तो अगर आप हाइट को रेडियस के टर्म में लिखिएगा तो आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा किस फायदे की बात कर रहा हूं मैं, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को निकालना है हाइट किस रेट से बढ़ रहा है, यानी dh/dt क्या है। तो अगर आप रेडियस हाइट को रेडियस के टर्म में लिखिएगा तो आपको फाइनल, अगर आप डिफरेंशिएट भी कर देंगे तो वो क्या निकलेगा, निकलेगा dr/dt, और हमको dr/dt तो चाहिए नहीं, हम लोग को dh/dt चाहिए, इसलिए हमको रेडियस को लिखना है हाइट के टर्म में, ना कि हाइट को लिखेंगे रेडियस के टर्म में, तो यहां लिखते हैं रेडियस को हाइट के टर्म में, ठीक है 1/3, चलिए यही लिखते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 πr² की जगह h/8 का होल स्क्वायर इंटू h, तो v इज इक्वल टू 1/3 πh² / 64 × h, चलिए अच्छी बात है। आप नोट कर सकते हैं, पाउच करके नोट करते जाएं, ठीक है, नहीं तो आप पीछे होके फिर नोट कर लें। चलिए v इज इक्वल टू 1/3 πh² / h³/64 होगा इतना, अच्छा होगा। अब क्या करते हैं, अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड, अब अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें दोनों साइड,
तो हमारे पास क्या आएगा, यहां आएगा डीवी बाई डी टी, अच्छा 1/3 पाई ऐसे ही, एच क्यूब का 3h² 64 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रह जाएगा, और डीएच बाई डी टी आ जाएगा। देखिए कुछ कटेगा कि हाँ 3 से 3 कट जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। अच्छा डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी हो गया आपको 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, अच्छा पाई बाई 64 और एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी, ठीक है ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं हम लोग कि एच का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये एच कौन सा एच है, ये एच ये वाला एच है। अगर आप फिगर पे गौर करो, एक मिनट देखो, हाँ अगर आप फिगर पे गौर करो तो हम लोग को इसी हाइट पे रेट निकालना था हाइट के भरने का, और ये हाइट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है तो ये हम लोग पुट कर देंगे 4 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 64 और एच स्क्वायर की जगह 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप आगे चाहें तो आप मिनट में भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहां हम लोग सेकंड में आंसर निकालते हैं क्योंकि हमारा आंसर जो दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, आप मिनट में भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसको सेकंड में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे में मिनट है, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट तो नीचे मिनट है, और एक मिनट कितना सेकंड 60 सेकंड, तो 60 सेकंड, अच्छा पाई बाई 64, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कटा, क्या बच गया सेंटीमीटर बच गया, तो यहां से हमारे पास आ जाता है ये 1.5/60 होगा, और इधर क्या पाई बाई 64 और इधर आपको 16 बच गया, और डी एच बाई डी टी 1.5 यहां सेंटीमीटर पर सेकंड बच जाएगा। अच्छा अब देखिए कुछ काटम कुट्टी करते हैं, 1.5 से एक यहां से हटाए तो यहां 0 आ गया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 16 से 4 से कटा तो ये और हमारे पास क्या आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 15/600 इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी एच बाई डी टी। देखिए यहां सेंटीमीटर पर सेकंड हम नहीं दिए हैं, आप दे दीजिएगा खुद से अगर आपको देना होगा तो, ठीक है अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो मैंने जूम कर दिया है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां यहां, और फिर यहां से लास्ट स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग यहां पे गए थे, डी एच बाई डी टी को हम लोग इतना लिख दिए थे। अब देखिए डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा, अगर हम सीधा डी एच बाई डी टी को ही लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखिए हमारा ये वाला स्टेप अलग था और ये वाला स्टेप अलग है, तो यहां से देखिए डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा, 15 × 4/600 × π होगा, और 15 × 4 क्या होता है 60, और नीचे क्या है 600, तो ये हो जाएगा 1/10 π हमारा आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है तो आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 13th नंबर क्वेश्चन देखता हूं मैं। 13th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सैंड इज पर्डिंग फ्रॉम अ पाइप, एक सैंड पाइप से गिर रहा है और वो किस रेट से गिर रहा है, 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। इसको मैं डीवी बाई डीटी क्यों लिखा आपको आगे समझ में आ जाएगा, सैंड गिर रहा है किस रेट से, 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से, और वो गिरता हुआ सैंड बना रहा है कोन, और वो एक कोन बना रहा है, यानी अगर गिरता हुआ सैंड कोन बना रहा है और गिर रहा है 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से, तो वो जो कोन बनेगा उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा किस रेट से, 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से, इसलिए मैंने डीवी बाई डीटी लिखा है, और यहाँ डीवी बाई डीटी में जो भी है ये कोन का वॉल्यूम है। अच्छा इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यहां मैंने उसको लिखा है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी आपको डी एच बाई डीटी निकालना है। अच्छा व्हेन इट्स हाइट इज 3 सेंटीमीटर, जब उसका हाइट 3 सेंटीमीटर है, यानी ये सब हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब एच इज इक्वल टू 1/6 आर, एच से क्या निकलता है, आर इज इक्वल टू 6 एच, फिर वही बात हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है पाई आर स्क्वायर एच, और फिर
आर में सिक्स एच पुट करेंगे। अब फिर आप पूछोगे कि हम एच एच की जगह आर बाई सिक्स क्यों नहीं पुट करते हैं, हम बोलेंगे वही बात कि हमको निकालना क्या है, डी एच बाई डी टी किस रेट से बढ़ रहा है, और यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास फाइनली निकलेगा आर के टर्म में, और आर के टर्म में निकलेगा डी आर बाई डी टी, और वो निकालने हमको फायदा नहीं है, इसलिए हम आर की जगह सिक्स एच पुट करेंगे ना कि एच की जगह आर बाई सिक्स। चलिए भी इक्वल टू वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह सिक्स एच का होल स्क्वायर इंटू एच, तो भी इक्वल टू वन बाई थ्री पाई सिक्स एच की जगह 36 और एच स्क्वायर इंटू एच एच क्यूब हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डीवी बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ वन बाई थ्री पाई 36 भी ऐसे ही रह जाएगा, एच क्यूब क्या हो जाएगा 3 एच स्क्वायर, और ये क्या हो गया डी एच बाई डी टी। चलिए अच्छी बात है, अब देखिए कुछ कटेगा, हाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास 36 पाई एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। अच्छा डीवी बाई डी टी क्या था, 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 36 पाई को ऐसे ही, और एच क्या था, एच था आपको 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। चलिए अच्छी बात है, 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ऐसे ही, 36 पाई ऐसे का ऐसे ही, और ये क्या हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। अच्छा कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, 18 टू जाए 36 तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई पाई इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। तो यहां से डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 2 पाई, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड कट, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये क्या हो गया 9 × 2 = 18 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यही हो गया हाइट के बढ़ने का रेट। तो इस वीडियो में इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।